लोकित पथ, पेज नंबर 96। शांतिपूर्वक बैठ जाओ। जब तुम्हारे पास थोड़ा समय हो, चाहे वह एक घंटा हो या कुछ मिनट, अपने आप से कहो, हाश, अपने आप को केंद्रित करने का, अपने आप को एकत्रित करने का, अपने जीवन के मूल कारण को फिर से जीने का, और जो सत्य और सनातन है उसे अपने आप को अर्पित करने का मेरे पास समय है। हर बार जब तुम बाहरी परिस्थितियों से परेशान न हो, तब अगर तुम यह करने की सावधानी बरतो तो देखोगे कि तुम राह पर बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हो। आपका समय बकवास में, अनावश्यक चीजें करने में और ऐसी चीजें पढ़ने में गंवाने की जगह जो चेतना को गिराती हैं, ज्यादा अच्छा है संयत होना, संतुलित होना, धैर्यवान होना, शांत होना और कभी दिए गए अवसर को न गंवाना। इसका अर्थ है तुम्हारे सामने जो मिनट व्यस्ताहीन होता है उसका सच्चा ध्येय आप उपयोग करने के लिए करते हैं। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ न हो, तुम अशांत हो उठते हो और तुम भागते फिरते हो, मित्रों से मिलने चले जाते हो, घूमने निकल पड़ते हो। मैं मात्र अच्छी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहती जो स्पष्ट रूप से ऐसी हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इन सब की जगह शांतिपूर्वक तुम्हारे लिए जो संभव हो उसके अनुसार आकाश के नीचे, समुद्र के आगे या पेड़ों तले बैठ जाओ। यहां तो सब कुछ है और इनमें से किसी एक चीज को सिद्ध करने का प्रयास करो। यह समझने की कोशिश करो कि तुम जीवित क्यों हो और यह सीखने की कोशिश करो कि किस तरह जीना चाहिए। इस पर विचार करो कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या करना नहीं चाहते हो। अज्ञान, मिथ्यात्व, दुख और जिसमें तुम जीते हो उससे बच निकलने का उत्तम उपाय क्या है। थैंक यू।